नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब से हम उर्दू से दूर हुए हैं, हम शहर और शायरी से दूर हो गए हैं। वरना आप एक शायर का नाम लेते तो शहर का नाम भी आ जाता। बरेलवी, कानपुरी, इंदौरी, लखनवी, गोरखपुरी, गोंडवी, भोपाली। शेर से बड़ा और असरदार कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं होता। जब भी शायरी सियासी होती है, शहर में शांति आ जाती है। उन जख्मों को करार आ जाता है जिसे सियासतदान देकर चला जाता है। मैं बात दिल बहलाने की नहीं कर रहा, दिमाग को समझाने की कर रहा हूं। सांप्रदायिकता एक रोग है। ये वो रोग है जो दवा को ही कहता है तू भी तो बीमार है, लेकिन शायरी ने कभी इस दवा को नहीं छोड़ा। तो हम चाहते हैं कि बात शायरी पर हो, सियासत पर हो और मुनव्वर राना पर हो। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आज एक ऐसे शायर से मिलना है जिसकी जुबान पर महबूब के पांव की खामोशी नहीं रहती। कान छिदवाती गरीबी रहती है, टाट में शान से गरीबी रहती है। मुनव्वर राना की महबूबा कोई पर्दा नशी नहीं है, बल्कि वो मां है जो हम सब की है। मुनव्वर की मां, समाज और सियासत के बीच खड़ी वो मां है जिसकी पैरवी के बहाने मुनव्वर राना अपनी उर्दू से सियासत को शर्मसार कर देते हैं। बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पर आइए साई लिखा है। हम सब के घरों में बर्तन होता है जिस पर आइए साई लिखा होता था। इस तरह के रूपक चुने मुनव्वर राना ने ताकि सांप्रदायिकता से लड़ाई एक शायर की ना रहे, हम सब की हो जाए। मुनव्वर राना जवाब अकेले उनका जवाब नहीं है, उनकी शायरी में फैज भी हैं, रघुपति सहाय फिराक भी हैं, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी भी हैं, मजाज लखनवी, कतील शफाई, अहमद फराज, हबीब जालिब भी हैं। इन सभी की शायरी के सफर का एक नया पड़ाव है मुनव्वर राना। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। सेक्युलर होना किसी पार्टी का कार्यकर्ता होना नहीं होता है, किसी पार्टी की ठेकेदारी नहीं होती। सेक्युलर होना एक अच्छा इंसान और नागरिक होना होता है। आप इस शायर को सुनिए, कलेजा भी धड़केगा और दिमाग उन सवालों को नए नजर से देखेगा जिसे हमारे भीतर हर दल के सियासतदान ने पत्थर की तरह जमा दिया है। यकीन है आज मुनव्वर राना एक ऐसा हम लोग बना देंगे जिसके बगैर हिंदुस्तान में हम लोग हो ही नहीं सकते। आपका स्वागत है और ये महफिल और हम लोग आपका है। शुक्रिया। तो हजरात, आज रवीश भाई ने बहुत अच्छा उर्दू का परिचय भी कराया और हम ये बताना चाहते हैं, सब आप जानते भी, उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जबान है। इसमें कहीं का कोई घालमेल नहीं। आज दुनिया में जहां भी उर्दू बोली जाती है, समझिए वहां हिंदुस्तान बोलता है, लखनऊ बोलता है, दिल्ली बोलती है, रामपुर बोलता है, अजीमाबाद बोलता है। मैं कुछ वाक़यात भी सुनाता चलूं ताकि शायरी से हटकर भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कलकत्ते में मौलाना आज़ाद कॉलेज में अब्बास अली खां बेखुद मिर्ज़ा गालिब पढ़ा रहे थे। मिर्ज़ा गालिब पढ़ाते पढ़ाते अचानक उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी, जिसके शानों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। एक बीए का स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर माफ कीजिएगा, इस शेर में बड़ा घिनौना अमल है। महबूब का शाना है और महबूबा की जुल्फें हैं, उसमें जुएं भी तो हो सकती हैं। अब्बास अली खां बेखुद ने कहा तशरीफ रखिए, सिट डाउन, यहां गालिब की महबूबा की बात हो रही है, आपकी महबूबा की बात हो रही है। तो जो शायर की जो महबूबा होती है, उसका जो तसव्वुर होता है वही बहुत अलग होता है महबूबा से। उर्दू गजल में गजल के माने यही है, महबूब से बातें करना। यही मैंने सीखा था, यही सिखाया गया था। लेकिन कुछ तो रायबरेली की मिट्टी के एहतजाज का असर उस पर बंगाल की मिट्टी, बगावत ज़दा मिट्टी जो है उसमें मैं इतना रोल दिया गया कि मैंने सोचा कि जब एक मामूली सूरज शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती। वो माँ जिसने मेरी पैदाइश में भगवान का हाथ बटाया,
खुदा का हाथ बटाया, जो मेरी पैदाइश में खुदा की भागीदार रह चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं माँ पे शेर कहूं। लोगों ने कहा कि नहीं साहब, गजल के माने तो महबूबा ही के हो सकते हैं। मैंने कहा जब तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूब मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने माँ को मैंने अपना एक आइडियल बनाया। फिर मेरी कोशिश ये रही हिंदुस्तानी होने के हैसियत से कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ हम गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं, सरस्वती को माँ कहते हैं, यहाँ तक कि हम गाय तक को माँ कहते हैं। लेकिन ये अजीब व गरीब बात है कि पहले हम गाय को भी माँ समझते थे, अब हम माँ को भी गाय समझने लगे। ये हमारे समाज में गिरावट आई। हमने सोचा कि नहीं, अगर हम ओल्ड एज होम की एक ईंट को भी हिला सकें तो इसका मतलब है हम माँ के दूध का कर्ज अदा कर सकते हैं। तो मैंने माँ को सिंबल बना के मुख्तलिफ शेर कहे। मैं उसमें से कुछ शेर सुनाता हूँ, देखें आप। मसलन एक शेर यह है कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों का ये रविश जी आपकी नजर है, बड़ी बुलंदियां हैं माशाल्लाह आपकी। शेर देखें, इस आपकी नजर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आत्मान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। पिछले दिन मैं बीमार हुआ तो एक दिन मैंने माँ से मैंने कहा कि अम्मा तबीयत ठीक नहीं रहती, लगता है कि अब चल चलाओ का वक्त आ गया है। तो वो हंसने लगी, कहेंगे अभी मैं जिंदा हूं। जब माँ जिंदा है तो तू कहां से बूढ़ा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मैंने उन दिनों मैंने शेर कहा कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। और कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। एक शेर देखें आप। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। देखिए, असल में गजल का एक अलग फॉर्मेट होता है। गजल एक तो सबसे जो दुनिया की अजीब व गरीब विधा इसलिए मानी जाती है, इसमें दो लाइनों में पूरी बात कहना होती है। ये बहुत मुश्किल काम है, यानी आप ये समझें कि चैवन प्राश को कैप्सूल में बंद करने की तरह है ये काम। दुनिया की किसी जबान में अगर आप अपनी महबूबा से ये कहें कि आज तुम मर्डरर दिखाई दे रही हो तो वो आपको भगा देगी। आप कहते हैं तुम हथियारन दिखाई दे रही हो तो वो घर से निकाल देगी। लेकिन जब आप कहते हैं आज तो तुम कातिल दिखाई दे रही हो तो वो आपको चाय पेश करती है। तो ये इस जबान की खूबी है कि इसमें मतलब इसको इतना नर्म कर देते हैं, ये बिल्कुल आशिक की जबान है, गिड़गिड़ाती हुई। मसलन आप देखेंगे लखनऊ वालों ने इसको इतना संवारा, इतना खूबसूरत बनाया, इतना आसान बनाया कि जैसे आप देखेंगे, यानी लखनऊ वालों ने कभी ककड़ी को ककड़ी नहीं कहा,
क्योंकि कानों को बड़ा नागवार से गुजरता है ककड़ी, तो हमेशा उसको कहते हैं लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां। ये होता है जो शरीफ है, यू नो सीताफल। तो अगर आप सीताफल की दुकान के पास से गुजरेंगे, ठेले के पास से गुजरेंगे, तो आज भी लखनऊ में ये है, वो कभी ये नहीं कहेगा साहब शरीफे खरीद लीजिए, इसलिए कि अगर आपने पूछा शरीफों के क्या दाम है तो इसका मतलब शरीफ आदमी हो गया, नोबल पर्सन। तो जैसे ही वो आपको देखेगा वो कहेगा रवीश भाई देखिए ये आपकी मोहब्बत में घुले जा रहे हैं। तो ये इस जबान की खूबी रही हमेशा से, और इस जबान की खूबी इस वजह से हुई कि इसमें, यानी ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव बात है कि जो उर्दू की डिक्शनरी है उसमें उर्दू के सिर्फ 111-112 लफ्ज हैं, बाकी 70% उसमें लफ्ज जो हैं वो सिर्फ हिंदी के हैं। उर्दू का अपना कोई घर, कोई किला, कोई मकान नहीं है, उसकी सिर्फ 111-112 शब्दों की अपनी पूंजी है। मतलब एक आरजू लखनवी एक शायर हुआ करते थे, तो उनका एक शेर है, इसमें देखिए एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं है, सिर्फ हिंदी है, लेकिन शेर उर्दू का कहलाता है। इस तरह उर्दू ने हिंदी को अपने कलेजे से लगाया, या इस तरह हिंदी के कलेजे से लग गई। आरजू लखनवी का शेर है कि उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, टूट कर आई घटा झूम के बरसा पानी। इसमें एक भी शब्द किसी और जबान का नहीं, सब हिंदी के लफ्ज देखें, लेकिन शेर ही उर्दू का कहलाता है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि शेर जो है इसका कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, कोई जात नहीं होती। परवीन शाकिर एक पाकिस्तान की शायरा थी, इंतकाल हो गया, शिवाज डिप्टी कमिश्नर, बहुत बड़ी शायरा थी। उन्होंने वहां बैठकर, जो एक कट्टरपंथी मुल्क है, शेर कहा कि उसका मतलब यह है कि कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती कि जंजीर तेरे नाम की थी। कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती कि जंजीर तेरे नाम की थी। और शेर यह है कि क्यों हवा आके उड़ा देती है आंचल मेरा, क्यों हवा आके उड़ा देती है आंचल मेरा, यूं सताने की तो आदत मेरे घनश्याम की थी। मैंने अर्थ किया कि शायरी का कोई मुल्क नहीं है, कोई मजहब नहीं है, शायरी जो है ये दिलों की आवाज है, इस दिल से उस दिल में पहुंचती है। बेकल उत्साही का शेर है कि जिसकी हर शाख पर राधाएं मचलती होंगी, जिसकी हर शाख पर राधाएं मचलती होंगी, देखना कृष्ण उसी पेड़ के नीचे होंगे। हसन कमाल ने शेर कहा, अब कोई राम नहीं गम का धनुष जो तोड़े, अब कोई राम नहीं गम का धनुष जो तोड़े, जिंदगी रोती है सीता के स्वयंवर की तरह। अब कोई राम नहीं गम का धनुष जो तोड़े, देखें ये सब शेर कहने वाले मुसलमान, मैथोलॉजी। अब आप देखें, मैं दूसरे शेर आपको सुना रहा हूं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदिसार ने एक शेर कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने शेर कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। मुस्लिम मैथोलॉजी में यह है, दूसरे जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कृष्ण बिहारी नूर शेर कहते हैं कि मर भी जाओ तो नहीं मिलते हैं मरने वाले, मर भी जाओ तो नहीं मिलते हैं मरने वाले, मौत ले जाके खुदा जाने कहां छोड़ती है। मर भी जाओ तो नहीं मिलते हैं मरने वाले, मौत ले जाके खुदा जाने कहां छोड़ती है। इसी गजल में देखिए, वो हिंदू मैथोलॉजी में शेर कहते हैं, जब्त गम कहते हैं पेशेंस, जब्त गम क्या है, जब्त गम क्या है तुझे कैसे समझाऊं, जब्त गम क्या है अभी, जब्त गम क्या है तुझे कैसे समझाऊं,
देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है, देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है। तो मैं ये अर्थ कर रहा था कि ये जो शायरी है इसका कोई मतलब नहीं, कोई जो लफ्ज अच्छा है ये एक बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह होता है कि जैसे आप देखें, मैं एक अजीब व गरीब वाक्य आपको बताऊं कि जैसे हिंदुस्तान में ये जो सैफरन रंग है इसको कहा जाता है कमुनल, ये आरएसएस वालों का है इसका है। 2-3 साल पहले मैं और मेरी वाइफ जद्दा गए एक मुशायरे में, तो हम लोग मदीने गए तो वहां देखा सैफरन रंग के झंडे लगे, तो मैंने कहा आरएसएस यहां भी आ गई क्या? तो कहने का मतलब ये है कि रंगों का कोई मजहब नहीं होता है, रंग तो जो आपको अच्छा लगता है वही रंग अच्छा है। हरा रंग मुसलमानों को जोड़ दिया गया, भाई हरा इसलिए अच्छा लगता है उनको कि उनके यहां सिर्फ रेगिस्तान है, तो उनको हर चीज जो है, जिस तरह वो एक मुहावरा है ना कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, तो मैंने अपने किसी राइटअप में लिखा कि भुसावल के अंधे को केला ही केला दिखाई देता है। एक वाक्य मुझे और याद आया कि मैंने ये अर्ज किया कि उर्दू शायरी में हुस्न इश्क आंख कान नाक सीना कमर बाजू ही बहुत बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान जैसी थी, अब बहुत इस पर शायरी की गई। नवाबों का जमाना था, बरह लिए थे लोगों की 4-4 बीवियां होती थी, अब तो एक ही मोर देन रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि गम में भी अपने आप को मजबूत रखना, मुकम्मल रखना, ये शायर का धर्म है, यही शायर सिखाता भी है। तो दो कंटेम्परेरी शायर हुआ करते थे, एक थे दाग दहलवी, आपने नाम सुना होगा। तो सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। खत गैर का पढ़ते थे जो टोका, तो वो बोले अखबार का पर्चा है खबर देख रहे हैं। ये थे दाग दहलवी। बड़ा यानी ये कहा जाता है उर्दू सीखने के लिए, शायरी सीखने के लिए दाग को पढ़ना जरूरी है, गालिब को पढ़ना जरूरी नहीं, दाग को अगर जबान सीखनी है तो दाग को पढ़ना जरूरी है। उनके कंटेम्परेरी शायर थे हम असर अमीर मीनाई, जिनकी बहुत मशहूर है गजल है स्वर्गवासी, उन्होंने गाई थी जगजीत भाई ने कि वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो एक दिन अमीर मीनाई बहुत शरीफ सीधे साधे आदमी थे, तो एक दिन दोनों कंटेम्परेरी पोएट कहीं मिल गया, तो अमीर मीनाई ने कहा कि ये बताओ दाग यार, जो तुम्हारी शायरी में हुस्न है, नजाकत है, मौसीकी है, रंगीनी है, इश्क है, वो तमाम बातें मेरी शायरी में क्यों नहीं है? हम दोनों कंटेम्परेरी शायर हैं। दाग दहलवी ने कहा कि ये बताइए कभी आपने शराब पी? उनका ला हौल वला कुव्वत, कैसी बात करते, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं शराब पीऊंगा? कहेंगे ये बताइए किसी से इश्क करने के चक्कर में आपने जूते खाए? कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप कैसी बात बेहुदा बातें कर रहे हैं। तो कहेंगे कभी आप गाना वाना सुनने के लिए कहीं आप अरबाब निशात में तशरीफ ले गए? तो मुंशी जी ने कहा बहुत बेहुदा आदमी मालूम होते हो दाग। तो दाग दहलवी ने कहा कि भाई मुंशी जी बीवी को देख के गजल कहिएगा तो ऐसे ही होगी जैसी। कि मतलब कैसी नजाकतें थी उर्दू शायरी में, उसकी कुछ मिसालें मैं दूं। तो बच्चे बैठे हैं हमारे बेटों की तरह, ये सीखेंगे कि हमारे बुजुर्ग कैसे किस चाल जन्म के हुआ करते रहे होंगे। तो उन्हीं का आरजू लखनवी का शेर है कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। पूछा जो उनसे और पूछा जो आशिकों को जलाते हैं किस तरह, दामन पकड़ के गैर का बतला दिया कि यूं। मोहब्बत जितनी पर्दादारी चाहती है, और मतलब आप देखें कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि कातिल हम कहते हैं या हम कुछ नहीं कहते हैं, मोहब्बत में एक ऐसा मकाम आता है कि आप कुछ नहीं कहते हैं लेकिन सब कुछ कहते हैं। एक शायर हुआ करते हैं रामपुर, जो बड़ा स्कूल है शायरी का, शौक असरी एक शायर हुआ करते हैं, उनका एक शेर है कि आईना देखना कभी जुल्फें संवारना, आईना देखना कभी जुल्फें संवारना, ये है किसी का नाम न लेकर पुकारना। किसी का शेर है कि चांद के शौक में तुम छत पे चले मत जाना, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। लेकिन आप ये ना समझें, मतलब जिस वक्त
इनकलाब की आहट जब इस शायरी में गूंजती थी। ये मतलब ये है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जोश मलिहाबादी, जिनको शायर इनकलाब का खिताब हासिल था, वो लखनऊ रेडियो पर मुशायरा पढ़ रहे थे, उसमें वो नज्म पढ़ रहे थे और अंग्रेज हुकूमत उनके घर पे छापा डाल रही थी। नज्म पढ़ रहे थे कि गरजे हैं गेसुओं की घटाओं के सामने, बच्चों को भून डाला है माओं के सामने। गरजे हैं गेसुओं की घटाओं के सामने, बच्चों को भून डाला है माओं के सामने। शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। तो आप देखें, राम प्रसाद बिस्मिल बस एक शायर सीधा साधा, लेकिन जब इनकलाब की आहट जब उसके कानों तक पहुंची तो वो कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इहतिजाज, यानी जैसे आपने अभी एक शेर पढ़ा कि बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे आई साई लिखा है। ये शेर कभी वो किसी चैनल पर उन्होंने पढ़ दिया, शायद शहाबुद्दीन जो वहाँ बिहार के माफिया डान है सो कॉल्ड। मैं पटना एक मुशायरे में गया तो वहाँ मुझसे कोई पत्रकार लड़की थी, उसने पूछा कि सर ये बताइए कि ये शहाबुद्दीन के पास ये शेर कैसे पहुँचा, आपने भेजा या कहाँ से उनको मिला, जैसे पत्रकार पूछते हैं वकीलों की तरह। तो चलिए आप बताइए ये शेर उनके पास कैसे पहुँचा। मैंने उससे कहा कि बेटे हिंदुस्तान की हर जेल में रामायण रखी है, क्या किसी ने तुलसीदास से पूछा कि वहाँ कैसे पहुँच गया। तो मैंने असल में देखिए, जो वतन से जो मोहब्बत है, जैसे आमतौर से ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान या ये जमीन मेरी माँ है, ये कहा जाता है मेरी माँ है। आपको मैं इतिहास के एक पन्ने की तरफ ले चलता हूँ कि जस्टिस ऑफ इंडिया को काजीउल कज़ाद कहते हैं, अरबी में जस्टिस ऑफ इंडिया को काजीउल कज़ाद। वो आखिरी मुगल अंपायर बहादुर शाह जफर को वो ओथ दिलवा रहे थे, हलफ। जब वो काजीउल कज़ाद ने उनके हाथ में कुरान दिया और कहा, हलफ दिया और कहा कि ये अहद करो कि अपने मुल्क से अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करोगे, तो बहादुर शाह जफर ने कहा महबूबा की तरह क्यों, माँ की तरह क्यों नहीं। काजीउल कज़ाद ने कहा कि माँ की मोहब्बत में लोग जाने नहीं दिया करते, महबूब की मोहब्बत में जाने ले भी ली जाती हैं, जाने दे भी दी जाती हैं। तो मुल्क से मोहब्बत का जज्बा जो है वो महबूबा ही की तरह होना चाहिए। तो एक शेर हमने एक जमाने में कहा था कि सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं। मैं आपको एक वाक्य और बताऊं कि रायबरेली में जो मेरा घर है उसमें लान बड़ा खूबसूरत सा मैंने बना बना रखा, गजल गांव मेरे घर का नाम भी है, बड़ा शायराना नाम है गजल गांव। तो मोहल्ले में जो हमारे यहाँ गैर मुस्लिम जो सब मिली जुली आबादी है, तो वो सब जो बच्चियां लड़कियां, उन्होंने आके मेरी वाइफ से कहा कि भाभी जी आप बहुत देर में सो के उठती हैं, यहाँ हम लोग यहाँ से फूल तोड़ के ले जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये 92-93 का वाकया होगा। उस दिन के बाद से हमारी वाइफ जब 4 बजे सुबह उठती थी तो वो दरवाज़ा खोल देती थी, पिछला दरवाज़ा, ताकि जिसको फूल वूल तोड़ना हो लेके चला जाए। मुमकिन है मोहल्ले के मुसलमानों की ये बात ना मालूम हो, लेकिन हिंदुओं को सबको मालूम थी ये बात। मैं जब पाकिस्तान गया तो मैंने ये मिसाल दी, जब वहाँ उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान में ऐसा है वैसा है, मैंने कहा नहीं नहीं साहब, मैंने कहा सुबह 4 बजे मेरा दरवाज़ा, पिछला दरवाज़ा खोल दिया जाता है और मुझे डर नहीं लगता, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं 75 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, इससे ज्यादा सेफ्टी और नहीं हो सकती। मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूं, हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा मैं तो बैसाखी बनाता हूं, मुझे कैसे मिलेगा मैं तो बैसाखी बनाता हूं। और शेर इसमें यह है कि वजारत
चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा। वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। और हुकूमत आपको मिल जाए तो गुजरात बनते हैं, हुकूमत जब मुझे मिलती है मैं दिल्ली बनाता हूं। मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं, हमारे बेटे और बेटियां, इनके माध्यम से हम हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को कि हर जगह कल आपको बैठना है, चाहे ये मुनव्वर राना की जगह हो, चाहे प्रधानमंत्री की जगह हो, चाहे रवीश जी की जगह हो, सब कल आपको बैठना है बेटे। शेर यह है कि बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूं। बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूं। कोई तो, चलिए बहरल एक मतला और एक शेर, दो तीन शेर मैं और सुना दे रहा हूं कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर, तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है, तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। हिजरत कहते हैं माइग्रेशन को, कहां की हिजरतें कैसा सफर कैसा जुदा होना, कहां की हिजरतें कैसा सफर कैसा जुदा होना, किसी की चाह पैरों पर दुपट्टा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवाती मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्टा डाल देती है। बहुत शुक्रिया। कम वक्त कम पड़ जाता है ऐसे अच्छे शायर और मौकों पर, पैदा भी होना लेकिन मुल्क के बादशाह होते हैं। जरूर, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है कभी चंबल बनाती है। आपका ही शेर है, वक्त की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जो हजरात हैं वो आपसे सवाल करेंगे, और जो मुहाजिरनामा है उसके बारे में कुछ सुनते चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं नहीं, आप सुन रहे हैं हम लोग। शायरी, सियासत और मुनव्वर राना, इनकी शायरी के जरिए हिंदुस्तान में उर्दू और गजल की यात्रा, सियासत और जो सांप्रदायिकता है उसके टकराव की कहानी हम सुनते रहे। जो इन्होंने बताया बहुत कुछ छूट भी गया होगा, बहुत शायर रह भी गए होंगे, लेकिन जो आपने बताया वो काफ़ी मुकम्मल तरीके से कम एक बनती नज़र आती है लोगों के सामने। कुछ लोग आपसे सवाल करना चाहेंगे शायरी के बारे में। आप हाँ, मुनव्वर राणा जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जाने साद अख्तर साहब, कैफी आजमी जी और नीरज जी ने फिल्मों में लिखा है शहरयार साहब ने, तो कभी आपको ऐसा प्रपोजल नहीं आया कि आप भी फिल्मों के लिए लिखें? नहीं, अन्नू मलिक मेरे ऊपर आशिक हो गए थे, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारा असल में छोटा सा ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी है, और अक्सर मैंने अपने किसी राइटअप में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट का कारोबार, बैंक की नौकरी और बुढ़ापे की शादी, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है वरना फ़ायदा मोहल्ले वालों को हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट के काम की वजह से मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, मतलब मैं हिम्मत में नहीं कर पाया। मनोहर साहब, एक बात कही जाती है कि जो 90 का दशक था वो एक सांप्रदायिक उफान का भी दौर रहा है। उस दौर में जब मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि शायरी भी सांप्रदायिक होने लगी थी जी। इसके बारे में अगर कुछ आप जानकारी दे सकें। देखिए, ऐसा है कि शायरी अपने अहद की सच्ची फोटोग्राफी है,
देखिए बात यही होती है कि उसको किस सलीके से आप कह रहे हैं। अगर सलीके से अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो ऐब नहीं है किसी भी चीज पर उंगली उठाना, लेकिन उसमें यह है कि शोबदेबाजी, फूहड़पन, खराब लफ्जों का इस्तेमाल, उसकी वजह से वो उस पर सांप्रदायिकता का इल्जाम आया। मसलन जैसे हमने उन दिनों गजल कही थी, उसमें मेरा मतलब ये था, तो शेर ये है कि हाँ इजाजत है अगर कोई कहानी और है, इन कटोरों में अभी थोड़ा सा पानी और है। शेर यह है कि मजहबी मजदूर सब बैठे हैं इनको काम दो, मजहबी मजदूर सब बैठे हैं इनको काम दो, एक इमारत शहर में काफी पुरानी और है। तो अगर इस तरह आप शेर कहते हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर इसका मुशायरों पर क्या असर पड़ा? देखिए असल में मुशायरे में आज भी अगर 25 से 40% अगर सामईन ऑडियंस अगर गैर मुस्लिम नहीं है तो फिर वो मुशायरा नहीं है, वो कोई नातिया प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी मुसलमानों का कोई प्रोग्राम हो सकता है। कल भी और आज भी बगैर हिंदुस्तान के दूसरे कौमों के लोगों के जुड़े हुए मुशायरा हो ही नहीं सकता है। यानी यही नहीं कि आप जैसे कि टिल दिस डेट मुशायरा एक ऐसी चीज थी कि जिस दिन ये कहा जाता है कि शहर में छोटे शहरों में जब मुशायरा होता था तो उस दिन माएँ खुश होती थीं कि आज हमें अपने बच्चों को बस्ते के बगैर इल्म सीखने के लिए भेजना है। तो मुशायरा इतनी बड़ी तहजीब की अलामत था। लेकिन ये हुआ कि जब इस किस्म की जब वारदात होने लगी तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। इसमें नतीजा ये हुआ कि जो अच्छी ऑडियंस थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसने जाना छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, नॉनसेंस, बहुत बेवकूफी की बातें करते हैं, अच्छे शेर नहीं सुनाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल में ये जो हमारे यहाँ जो सत्ता की तकसीम हुई, बंटवारा हुआ, ये खराब हो गया। जिन्हें संसद में होना चाहिए था वो रिक्शा चला रहे हैं, और जो रिक्शा चला रहे हैं उन्हें संसद में होना चाहिए था। तो साहित्य में भी ऐसा ही हो गया कि जो असली लोग हैं वो कम हो गए। मसलन लाफ्टर शोज में जो लोग आ गए उनको उनको पैसा इतना मिलता है कि हमारा जो हिंदी का जो बड़ा कवि है मसलन गोपाल दास नीरज, जो सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनके 25% भी उनका पारिश्रमिक नहीं होगा जितना ये लाफ्टर चैनल के कवियों को होता है। यहाँ बैठे लोग शायरी में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और फिर भी पब्लिशर लोग कहते हैं कि आजकल पब्लिक में कविताओं में दिलचस्पी कम हो गई है जी। इस बारे में आप कुछ अपने विचार या अनुभव देना चाहेंगे? हाँ बहन, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, मेरा पब्लिशर भी नाराज हो जाएगा। अभी मेरी पब्लिशर की प्रॉब्लम यही है कि हिंदुस्तान में 90% पब्लिशर जो है वो बेईमान है, नंबर वन। उसकी दूसरी एक वजह ये है कि उनकी एक किताब बिकती है, चार ऐसी किताबें हैं जो नहीं बिकती हैं, वो उनका खर्च भी उनसे पूरा करते हैं। तो ये वजह है। और इस पर बात आपने बहुत सवाल बहुत ज्वलंत किस्म का सवाल है जी। सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप दिल से शायरी कब करना पसंद करते हैं, सियासत के टॉपिक पे या कोई सरोकार का टॉपिक हो, आप दिल से कैसा ज़्यादा सबसे अच्छा दिल जब आप मचलता है शायरी के लिए? देखिए जहाँ हम जाने ही ना चाहते हैं उस पर हम दिल से कैसे शायरी करेंगे। सियासत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं शायरी करना चाहता हूँ वो जिससे कम से कम लोग आपस में मोहब्बत करें, लोग एक दूसरे से मिल के रहें, लोग अपने जो रिश्तों का जो हमारे यहाँ जो बिल्कुल खात्मा हो गया कि पहले हम लोग मतलब बताया ना कि हम अपने शहर की मतलब मेरा एक शेर है रवीश जी कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। तो हमारे बचपन में हमारे घर में हमारे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान की छतें थी नहीं, या मेरी मौसी की छत होती थी या मेरी बुआ की छत होती थी और हम उस पर दंदनाते फिरते थे। हम सबको अपनी मौसी और बुआ के नाम से पहचानते थे। उसका जिक्र कब आना शुरू हुआ, आपने लिखना शुरू किया, जैसे मदद भी शहर के चलने के बाद आती है इस तरह से? ये खास तो इस तरह से कुछ सुना दें और फिर आप मुहाजिर नामा का कुछ अच्छा सुना दें। हाँ इस तरह के जो शेर, जाहिर सी बात है कि हमने बताया कि शायरी चूंकि अपने अहद की फोटोग्राफी है तो इस पर शेर कहना मजबूरी है। जैसे आप देखें कि सपोज गुजरात का हादसा लें, अगर हम उस पर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमको कलम जो है वो नारा डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने उन दिनों मैंने एक गजल कही थी, मैं आपको सुनाता हूँ, बल्कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुशायरा था उन दिनों, जस्टिस काटजू भी यहाँ पर हुआ करते थे, वही इंतजाम करते थे जस्टिस काटजू जी। तो मैंने वो गजल मैंने पढ़ी थी, मैंने और मैंने ये कहकर पढ़ी थी कि ये गजल एक ऐसी गजल है कि मैं एक मुलजिम हूँ
जिसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। आप तमाम लोग जजेस हैं, फैसला आपको करना है। वो गजल उसमें पूरी मतलब हाँ जो आप अंदाजा लगा लेते हैं उसका मतलब ये है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। और हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। आपको जान के खुशी होगी और मुझे तो बहुत हुई ये सुन के कि उर्दू जुबान की जो डिक्शनरी है उसमें 1100 लफ्ज होंगे जिसे हम खालिस उर्दू कह सकते हैं और बाकी हिंदी से हैं। लेकिन फेसबुक पर छोटी उम्र के शायर अंग्रेजी की लिपि में और देवनागरी में उर्दू की शायरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अरबी लिपि की कुर्बानी आपको नजर आती है? देखिए, उर्दू का अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जबान है, फारसी और अरबी के लफ्ज भी उसमें वैसे ही रखे गए जैसे अस्पताल रख लिया गया अंग्रेजी का लफ्ज, गिलास रख लिया गया अंग्रेजी का लफ्ज, लालटेन रख लिया गया अंग्रेजी का लफ्ज, हुन एक लफ्ज है, ये उसका तेलुगु का लफ्ज है जिसके मतलब होते हैं सोने के पत्थर। तो मुझे एक हुन लफ्ज देखने का बड़ा मुझे मेरी सबसे पसंदीदा किताब जो है वो डिक्शनरी है। तो मैंने देखा हुन, तो उर्दू डिक्शनरी की खूबी ये है कि उसमें रेफरेंस में शेर होते हैं। तो मैंने देखा ये हुन किस जबान का लफ्ज है, तो उसमें आया कि तेलुगु का लफ्ज है। तो एक रवायत है कि वहां पर कहत पड़ा था, सूखा पड़ा था, तो भगवान ने ऊपर से इतने बड़े सोने के पत्थर बरसाए थे, तो उसको हुन कहते हैं। तो रेफरेंस में एक शेर लिखा था कि गर्दने शीशा झुका दे मेरे पैमाने में, हुन बरसता रहे साकी तेरे मैखाने में। आज आप देखेंगे फारसी और अरबी के मिश्रण के बगैर हम शेर कहते हैं, लेकिन यह है कि एक ईमानदारी यही है कि जो अच्छा लफ्ज है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमारा जो नया जर्नलिज्म है, यानी ये जो रवीश जी वगैरह जो खड़े हैं, जो ये पूरी नस्ल है, पहले ये था, ये वही लफ्ज बोलते हैं जो आसान, जो आपको आप तक पहुंच सके। आप अपने महबूब से उसी जबान में गुफ्तगु करते हैं जो जबान उसको आती हो। तो टीवी की जबान ऐसी होगी जैसे पुआल में आग लगी हो। नहीं, टीवी की जबान वही है जो महबूब की जबान है। हाँ, आप बहुत आसान जबान बोलते हैं कि मतलब हम तक कन्वे होती है, कहना चाहते हैं वो हम महसूस कर लेते हैं। और शेर ये है कि कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद हैं इसको, सुनिएगा रवि जी शेर, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद हैं इसको, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। और शेर यह है कि अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और शेर आखिर यह है कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों। अच्छी रही बातचीत आपसे, आप मुहाजिरनामा का कुछ हिस्सा सुनाते चलें और आपके सुनते सुनते ही हम सब हम लोग से विदा ले लेंगे। तो मुहाजिरनामा एक मेरी किताब है गजलों की, तो उसकी
تخلیق یا کریشن کا سبب یہ ہے کہ ایک بار ہم لوگ 2008 میں ہندوستان کے سب شاعر پاکستان گئے تھے مشاعرے میں, کافی لوگ تھے یہاں سے, تو وسیم بھائی تھے اس میں, انور جلال پوری تھے, اشوک چکردھر تھے, دکشک دنکوری تھے, بہت لوگ تھے, نمبر آف پوئٹ. حضرات ہوتا یہ ہے کہ جو یہ مائگریشن ہے, جب ایک لڑکی دہلی بدلتی ہے تو وہ بھی سمجھیے اس کا ایک مائگریشن ہوتا ہے, ایک گھونسلہ بدلا جاتا ہے, وہ بھی آپ جہاں سے اپنے گاؤں سے ٹوٹ کر یہاں آ گئے تو یہ ایک مائگریشن ہے. تو میں نے اس پر شعر کہے, بہرحال اس کو یوں شروع ہوتی ہے نظم کے, مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں, مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں, تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں, کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں, کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا. اور شعر یہ ہے کہ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی, سنیے گا صاحب, بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں, بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں, یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں, یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں. اور اہلیہ کہتے ہیں دھن پتنی کو کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں, اور ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. بہت خوبصورت, بہت ہی بڑھیا رہا آپ کے ساتھ, امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو بھی پسند آئے گا, اور آپ کی شاعری جو آپ نے سنائی اور تمام شاعروں کو آپ نے شامل کیا یہ بھی بہت اچھا رہا, لوگ سمجھیں گے کہ ہماری وراثت کیسے اور کن مشکلوں سے اور کن بے باکی سے بنی ہے جس کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے.